कल हमने ये भी समझा था कि बेवल प्रोफाइल मतलब एक ऐसा मॉडिफायर जो 2D शेप को ही 3D में कन्वर्ट करता था विद अनदर 2D शेप, याद है ना सबको। तो जैसे एक फटाफट रिवाइज दिखाता हूँ बहुत हल्का सा, कि जैसे अगर मैंने एक सर्कल लिया और अगर मुझे इस सर्कल को एक डिजाइन वाला 3D मॉडल बनाना है, तो मैं सर्कल के ऊपर बेवल प्रोफाइल सबसे पहले तो ऐड कर दूंगा। तो बेवल प्रोफाइल का पहला काम क्या है कि 2D शेप के अंदर उसने एक 3D ज्योमेट्री फिल कर दी, एक फेस फिल कर दिया, जिससे 3D लुक आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी ये प्रॉपर डिजाइन नहीं बना, क्योंकि इस बेवल प्रोफाइल को चाहिए होता है एक दूसरा 2D शेप, ठीक है। तो वो दूसरा 2D शेप आप लाइन से बना सकते हैं, किसी भी टाइप की डिजाइन। तो अगर मैंने ऐसी एक डिजाइन बनाई, ठीक है, डिजाइन का साइज थोड़ा छोटा रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया इसको, मॉडिफाई में गया, पिक प्रोफाइल और क्लिक किया मैंने लाइन पे। मुझे लगता है लाइन मैंने किस व्यू में बनाई है, लेफ्ट में नहीं, लाइन को हमेशा फ्रंट व्यू में ही बनाना, क्योंकि वो फ्रंट से समझता है कि उसको किस शेप में जाना है। हाँ, तो अब ट्राई करते हैं। डिजाइन जनरेट तो हुई, लेकिन ये प्रॉपर स्टेयर जैसा क्यों नहीं बना। एक सेकंड, बेवल प्रोफाइल को भी ओपन करके आप प्रोफाइल गिज़मो पे जाओगे तो आप उसका वो गिज़मो सेलेक्ट कर सकते हो, जिस माया में इस चीज को कर्वेचर बोला जाता है, जिस तरह हम टैपर में भी सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो वही सेम चीज है। इसको मैं थोड़ा रोटेट करके देखता हूँ, कभी कभी इसके रोटेशन से भी शेप में फर्क आता है। हाँ, ये देखो, तो अब देखो डिजाइन बनी, समझ में आया सबको। सर सेम ये वही चीज है, उसके बाद आप इस डिजाइन में वर्टेक्स चेंज करोगे तो उधर लाइव चेंज होगा, ठीक है। तो पढ़ा तो मैं कल चुका ही हूँ, बस ये हल्का सा जिस दे रहा हूँ रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप भूलो ना, ठीक है। तो ये हमारा था, इसी के साथ साथ मैंने आपको तीन मॉडिफायर और पढ़ाए थे। ये तो वो मॉडिफायर है जो सिर्फ 2D पे काम करता है, तो ये सर्कल भी 2D था, और इस 2D को 3D बनाने के लिए हमने बेवल प्रोफाइल डाला, और बेवल प्रोफाइल के अंदर एक नई प्रोफाइल डाली, एक नया शेप जो कि दूसरा 2D शेप था, और ये 2D शेप अब इस सर्कल पे एज अ बेवल प्रोफाइल काम कर रहा है और एक 3D मॉडल आपको बना के दे रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इस शेप में अगर आप स्प्लाइन में जाके उसकी आउटलाइन जनरेट कर देते हो तो क्या होगा, आपका जो मेन 3D मॉडल है उसमें उसको भी थिकनेस थिकनेस आ मिल जाएगी और जाएगी। बीच में हॉलो हो जाएगा, समझ में आया सबको, ठीक है ना। इसी के साथ साथ मैंने आपको तीन मॉडिफायर और बताए थे 3D के, वो भी फटाफट बता देता हूँ। ये मैं बताता हूँ, स्फेयर पे बता देता हूँ। स्फेयर लिया, इस पे मैंने डाला था टैपर, ठीक है। और टैपर से क्या होता है, जब आप अमाउंट बढ़ाओगे या कम करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट एक तरफ से पिंच होता है और एक तरफ से ब्रॉड रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस टैपर का इन्फ्लुएंस आपको और हद से ज्यादा बढ़ाना या घटाना हो तो वो अमाउंट इतना नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके लिए आपको टैपर को ओपन करके उसका गिज़मो यानी कर्वेचर सेलेक्ट करके आप जब इस गिज़मो को मूव करोगे और अमाउंट की वैल्यू को कम ज्यादा करोगे तो फिर शेप और बेटर होता जाएगा, समझ गए बात को। साथ ही साथ इस अमाउंट के नीचे कर्व वैल्यू भी होती है, अगर इस कर्व वैल्यू को थोड़ा चेंज करोगे तो देखो आपका जो कर्वेचर है उसमें कर्व आ रहा है और साथ ही साथ मॉडल में भी कर्व आ रहा है थोड़ा सा, समझ में आ रहा होगा सब। यस ठीक है ना, तो ये कर्व ऑप्शन भी काम का है कभी कभी, अगर आपको किसी चीज को कुछ ज्यादा ही एज अ पिंच करना हो या हद से ज्यादा कर्व करना हो, मतलब मोटा या एकदम राउंड आर्क जैसा, तो फिर आप इस कर्व की वैल्यू चेंज कर सकते हो, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। दूसरा सर मॉडिफायर मैंने बताया था इसी के ऊपर ही, वो था आपका नॉइस।
नॉइस से क्या होता था, रफ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लाइक रॉक, चट्टान, पेबल्स, माउंटेन्स या नदी, या आपकी जो रफ जमीन होती है, ऊबड़ खाबड़ सड़क, उस हिसाब की चीजों को बनाने के लिए भी नॉइज आपकी बहुत हेल्प करे। इवन रिवर की वेव्स बनाने के लिए भी नॉइज आपका बहुत अच्छा है, कपड़ा बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। तो रफ चीजों में जितनी भी चीजें आती हैं रियल वर्ल्ड में, वो सारी चीजें नॉइज से आप बना सकते हो, काफी अच्छा मॉडिफायर है। तो इसमें भी मैंने वैसे बताया था कि फर्स्ट आपको पावर देनी पड़ती है, स्ट्रेंथ, कि किस 3 डायमेंशन के एरिया से इस चीज में इन्फ्लुएंस, मतलब जो शेप है वो चेंज हो, ठीक है। तो बगैर स्ट्रेंथ, बगैर फ्रैक्टल वैल्यू पे काम किए, उससे पहले आपको काम करना है स्ट्रेंथ पे। क्योंकि जब तक आप स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं करोगे कि भाई पावर किधर से आ रही है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से, तब तक आप रफनेस जनरेट नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि पहले आप इनमें थोड़ा काम करो, स्ट्रेंथ में। मैंने एक्स वाई जी का स्ट्रेंथ दिया हल्का हल्का, तो थोड़ा सा देखो शेप में चेंजेस आता है जब आप स्ट्रेंथ वैल्यू बढ़ाते हो। तो अब आप फ्रैक्टल को चालू कर दो तो रफनेस आना स्टार्ट हुआ। अब इसमें से आप रफनेस वैल्यू जितना बढ़ाओगे वो उतना रफ होगा, जितना घटाओगे उतना स्मूथ होगा, ठीक है। साथ में स्केल वैल्यू है, अगर स्केल वैल्यू को बढ़ाते हो तो रैंडमनेस आती है, मतलब कम करोगे तो देखो रिपीट हो रहा है जो नॉइज है, हद से ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। जिस तरह टेक्सचर में टाइलिंग होती है ना, मैंने आपको बताया था रिपीट यूवी, ये स्केल कुछ उसी तरीके से काम करता है कि जब स्केल वैल्यू आपकी कम रहेगी तो ये नॉइस पैटर्न रिपीट होके डबल डबल होता जाएगा एक के ऊपर एक, और स्केल वैल्यू बढ़ा के रखोगे तो फिर कम स्मूथ की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है सब, यस सर। है ना। हाँ सर। तो इस तरीके से नॉइज है, ठीक है। इससे मैं आगे अभी आज भी एक चीज बना के बताऊंगा, कर्टेन से नॉल, तो उससे भी आप समझोगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स और बन सकते हैं नॉइज से। अभी तो बस मैं इसके ये एट्रीब्यूट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नॉइज हो गया, नॉइज के बाद हमने समझा था लैटिस, जो नेट बनाने के काम में आता है। लेकिन ध्यान रखना लैटिस के लिए सेगमेंट्स चाहिए। तो लैटिस जैसे हमने अप्लाई किया, तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि लैटिस में दो चीजें एक साथ दिखाई देती हैं नेट बनाने के लिए, एक तो उसके डायमंड जैसे शेप के जॉइंट्स और दूसरा स्ट्रट्स, जिनको एजेस भी सिंपल वे में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एजेस, है ना। तो यहाँ पे अभी बोथ है लैटिस में, दैट्स वाई जॉइंट्स और एजेस दोनों दिखाई दे रही हैं। तो मैं बोथ को सिर्फ एजेस पे रखता हूँ, तो देखो सिर्फ एजेस दिखाई देने लगी, वो भी थिकनेस के साथ, ठीक है। अब इन एजेस का रेडियस यानी जो मोटाई है वो कम करना है, तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा रेडियस का, इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, तो वो और पतला हो गया, तो ये आपको एक नेट जैसा दिखाई देने लगा। दिख रहा है सबको, ठीक है। अब जब मैं जूम करता हूँ तो ये जो नेट है उसका ये जो जो पाइप है वो बहुत ही लो पॉली लग रहा है। अगर आपको लगता है और अच्छा राउंड होना चाहिए और अच्छा स्मूथ होना चाहिए, तो आपको नीचे ये साइड सेगमेंट्स बढ़ाने हैं। जितना बढ़ाओगे वो उतना हाई पॉली और लो पॉली की तरफ जाएगा, यानी जितने साइड्स होंगे उतना ये एज जो है, जो थिकनेस है वो उतनी ज्यादा स्मूथ दिखेगी, मोटी दिखेगी और स्मूथ भी दिखेगी, मतलब प्रॉपर राउंड लाइक अ पाइप। लेकिन जितना कम करोगे वो उतना बॉक्स जैसे शेप की हो जाएगी, ना कि सिलेंड्रिकल दिखेगी राउंड। समझ में आ रहा है सबको, ठीक यस सर। है ना। यस सर। तो यही सब चीजों को हमने यूज करके कल अपना पूल टेबल कंप्लीट किया था, जिसमें तीनों मॉडिफायर यूज किए थे और साथ में बेवल प्रोफाइल जो 2D का मॉडिफायर है ये भी यूज किया था, और इससे हमने हमारे पूल टेबल को फाइनली कंप्लीट किया था, ठीक है। साथ ही साथ हमने स्टिक बनाने के लिए भी सिलेंडर यूज किया था, और उस सिलेंडर में टैपर डाल के, याद होगा सबको, उस स्टिक को भी प्रॉपर शेप दिया था कि उस स्टिक ऊपर से पिंच होती है, नीचे से थोड़ी ब्रॉड होती है, ठीक ना। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कल वाला थोड़ा सा रिवाइज भी कर दिया मैंने। आज आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है लॉफ्ट। ये भी 2D का ही टॉपिक है, 2D शेप्स पे ही काम करता है।
थोड़ा सा मिलता जुलता है बेवल प्रोफाइल से, लेकिन बेवल प्रोफाइल से कुछ चीजों में कहीं बेटर भी है। तो जब आप देखोगे कि किस तरीके से मैं लॉफ्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आप समझ पाओगे कि इसका आउटपुट जो है या इसका जो काम है वो बेवल प्रोफाइल से कैसे अच्छा है। ठीक है, तो काम ये ऑप्शन जो लॉफ्ट ऑप्शन है 2D शेप्स पर ही काम करता है, और लास्ट में आपको मॉडल क्या बना के देता है 3D, समझ रहे हो ना। तो 2D शेप से ही हम 3D मॉडल बनाएंगे, लेकिन टूल कौन सा यूज करेंगे, लॉफ्ट। ठीक है ना, इससे पहले किसी ने लॉफ्ट यूज किया है या कभी सुना है ये नाम? हेलो हेलो, सर, हाँ लॉफ्ट बताओ। 2D से 3D बनाते सर क्या? हाँ, 2D से 3D, जैसे बेवल प्रोफाइल भी करता है जो कल मैंने पढ़ाया था, या और जिसका भी एग्जांपल भी दिया ओके मैंने, सेम ओके सर, उसका, उससे और एडवांस है। मतलब जो चीजें बेवल प्रोफाइल में नहीं हो सकती वो लॉफ्ट के अंदर हो सकती है। वो क्या चीजें, वही मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, लेकिन इससे पहले किसी ने इसको कभी सुना या देखा है ये पूछ रहा हूँ। माया नहीं, में सर हाँ माया ऐसा में तो माया सुना का होगा लगा आप तो लोगों ने, हाँ लॉफ्ट, लेकिन उसका काम और इसका काम बहुत ही नहीं अलग है। हाँ पटेल आ रही। लेकिन वहां माया में जो लॉफ्ट है उसका काम थोड़ा अलग है, और ये 3DS Max में जो लॉफ्ट है इसका काम अलग है। 3DS Max का ये जो लॉफ्ट है ये एक्चुअली 2D शेप्स को डिस्टेंस के हिसाब से भी कवर कर सकता है। मतलब जब आप ये 2D शेप के ऊपर 3D बना रहे हो तो वो पूरा 3D बनता है, लेकिन लॉफ्ट में आप डिवाइड कर सकते हो कि या अगर या तो आधा 3D हो आधा 2D हो, ये भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि जो 3D मॉडल है उसके अंदर टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप के अलग अलग 2D शेप्स अप्लाई हो। मतलब एक ही 3D मॉडल लेकिन उसमें अलग अलग डिजाइन। जिस तरह बेवल प्रोफाइल में क्या होता था, दोबारा देखना कि अगर मैंने बेवल प्रोफाइल डाला और इस बेवल प्रोफाइल, इस पैलेस के ऊपर मैं बेवल प्रोफाइल डाल देता हूँ, तो ये एक ही प्रोफाइल ले सकता है। अगर मैं इसको अब दूसरा 2D शेप दूँ, जैसे मैंने ये लाइन दी, सो लेफ्ट की बजाय फ्रंट से बनाता हूँ, ठीक है, एक लाइन बनाई, और अगर अब मैं दूसरी लाइन भी लूं या स्टार लूं, कोई दूसरा शेप कुछ ऐसा, ठीक है, तो अब हो गया क्या कि अगर मैं इस बेवल प्रोफाइल पे पिक प्रोफाइल करूं और इस लाइन पे क्लिक करूं, तो पहले तो इसने लाइन को लिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं दोबारा पिक प्रोफाइल करके स्टार पे क्लिक करूं तो लाइन को छोड़ के उसने स्टार को लिया, यानी दोनों को एक साथ नहीं ले सकता एक वक्त पे एक ही शेप। समझ आई क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सर है ना। यानी अगर मैं बेवल प्रोफाइल में दोनों शेप एक साथ यूज करना चाहूँ तो हो ही नहीं सकता, वो एक वक्त पे एक ही को ही लेगा। या तो मैं पिक करूँ तो या तो लाइन को ले लेगा, और अगर मैंने दोबारा पिक करके स्टार पे क्लिक किया तो लाइन को छोड़ के स्टार ले लेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टार और लाइन एक साथ इस बेवल प्रोफाइल के ऊपर काम करे, तो वो नहीं होगा। अब समझ में आया काम, बात मेरी। सर लेकिन ये काम कौन कर सकता है, लॉफ्ट कौन, लॉफ्ट। तो इस फायदे के लिए हम आज लॉफ्ट सीख रहे हैं, ये रीजन है लॉफ्ट सीखने का। अब कुछ समझ में आया है ना। तो लॉफ्ट कैसे काम करता है ये देखना, उसके लिए भी काम 2D शेप्स पर ही होगा, बस थोड़ा तरीका अलग है, तो उस चीज को समझते हैं। ठीक है, सेशन एंड का आ रहा है, तो जब सेशन एंड हो जाएगा तो मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा। जब तक इतनी देर में मैं आपको ये बता दूंगा कि लॉफ्ट बनाने के लिए आप पहले 2D शेप्स को किस तरह रो, सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये है। अगर आप लॉफ्ट पहली बार में सीखना चाहते हो, आप समझना चाहते हो वाकई लॉफ्ट को कि लॉफ्ट किस तरीके से बिहेव करता है, काम करता है, तो उसमें सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है स्क्रू ड्राइवर, कि सबसे पहले आप एक स्क्रू ड्राइवर बनाओ, उससे आप बहुत ही जल्दी समझ पाते हो कि लॉफ्ट किस तरीके से काम करता है। समझ रहे हो सब लोग, है ना। यस सर गुड, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टॉप व्यू में आता हूँ और एक लाइन लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2D शेप्स पे ही हमें काम करना है, तो मैं टॉप व्यू में आया और मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची इस तरफ फ्रंट से लेकर बैक तक,
और मैं टॉप में हूं तो इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि फ्रंट इस तरफ है, बैक इस तरफ है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है ना। और क्योंकि आप टॉप में हो तो मैंने इस तरफ फ्रंट से एक लाइन क्लिक की, और लाइन को स्ट्रेट ले जाने के लिए हम क्या क्लिक करते हैं कि वो 90 डिग्री स्ट्रेट रहे। कोई बता पाएगा? शिफ्ट शिफ्ट वेरी गुड। तो शिफ्ट होल्ड किया है, लाइन एकदम 90 डिग्री स्ट्रेट हो गई, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो ये लाइन आपकी बन गई एकदम सीधी 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनानी है और कुछ नहीं। और स्क्रू ड्राइवर इसके ऊपर ही बनेगा, इस लाइन के ऊपर। तो अभी आपके ऊपर है कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर आप बना रहे हो वो कितना बड़ा या छोटा रखना है। आप जितनी बड़ी लाइन रखोगे उतना ही बड़ा स्क्रू ड्राइवर बनेगा, जितनी लाइन छोटी रखोगे वो उतना ही टाइनी और छोटा बनेगा, ठीक है ना। ये टोटली डिपेंड ऑन दी लाइन का साइज है और उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइन से तो हमने ये डिसाइड कर लिया। एक बार मैं ग्रिड हाइड करता हूँ तो और आप लाइन को क्लियरली देख पाओगे। इस लाइन से आपने ये डिसाइड कर लिया कि स्क्रू ड्राइवर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। लेकिन अब स्क्रू ड्राइवर बनेगा किस चीज से, उसके लिए हमें दूसरे 2D शेप्स लेने हैं। जो अदर 2D शेप्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे इस लाइन के ऊपर क्या बनाने में, स्क्रू ड्राइवर बनाने में, समझ गए ना। तो लाइन तो सिर्फ इसलिए कि एक पाथ है, एक रास्ता है, स्क्रू ड्राइवर इसके ऊपर बनेगा। लेकिन स्क्रू ड्राइवर किस चीज से बनेगा उसके लिए हमें दोबारा दूसरे 2D शेप्स लेने पड़ेंगे। यहाँ तक पहले बात समझ में आ रही है सबको? यस सर, है ना, गुड। तो अब दूसरे 2D शेप्स लेने के लिए मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे 2D शेप्स लेता हूँ। जैसे मैंने लिया फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल, तो ये मेरा एक बड़ा सा सर्कल है, ये मैंने लिया, ठीक। इसी के बाद एक और सर्कल ले सकते हो, थोड़ा छोटा, इसी के साइज में थोड़ा छोटा सर्कल, तो मैंने एक सर्कल और लिया। उस सर्कल को मैं थोड़ा यहाँ रखता हूँ, थोड़ा दूर। ग्रिड हाइट कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो तो। जो सेकंड सर्कल होगा वो थोड़े पहले वाले से थोड़ा छोटा रहेगा, वो ध्यान रखना। आप अगर साइज मेंटेन करना चाहते हो तो एक के ऊपर एक ही बनाओ और थोड़ा उससे छोटा लेके फिर मैन्युअली बाद में मूव कर सकते हो बाहर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक शेप और लेता हूँ मैं, वो होगा स्टार, स्टार शेप, ठीक। इस स्टार को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाओ और यहाँ उसके पैरामीटर्स हैं। इसमें से एक पैरामीटर पे पहले मुझे काम करना है, वो है पॉइंट्स। पॉइंट्स जो कि 6 हैं, इनको मैं कर देता हूँ 8। तो जो कॉर्नर से वो बढ़ जाएंगे, और कम करोगे 3 तो बस 3 कॉर्नर का स्टार रह जाएगा। तो पॉइंट समझ रहे हो ना कि, तो मैं इसको 8 रखता हूँ, ठीक। और क्या करेंगे हम, इन कॉर्नर्स को थोड़ा सा फिलेट करेंगे। कल मैंने फिलेट टूल भी पढ़ाया था, याद होगा सबको। तो यहाँ फिलेट फिलेट ऑप्शन यहाँ स्टार में ही दे रखा है, तो आपको उसको स्प्लाइन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से उसको हल्का सा फिलेट कर लो। वो क्यों नहीं रहा है? हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू बढ़ाने पे होगा। ये देखो कॉर्नर्स थोड़े से क्या हो गए, कर्व हो गए। सेम यही चीज थोड़े अंदर वाले में, फिलेट रेडियस 2, ठीक। तो जो स्टार है उसके कॉर्नर्स थोड़े से क्या हो गए, कर्व हो गए, फिलेट हो गए, ठीक। तो तीन शेप हो गए। इसी के बाद एक सर्कल और लेता हूं मैं, जो इस वाले सर्कल से, थर्ड वाले शेप से थोड़ा सा और छोटा होगा। फिर एक सर्कल और जो इससे भी छोटा होगा, पतला सा, ठीक। इतना क्लियर हुआ? लास्ट में जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो लास्ट में जो एंड होता है उसका, वहां पे वो क्या होता है, चपटा होता है, ताकि वो बोल्ट में फंस के उसको घुमा सके। तो उसके लिए आप कौन सा शेप लोगे? रेक्टेंगल, पतला सा, ठीक है। और इस रेक्टेंगल को भी मॉडिफाई में जाओ, सेलेक्ट करो। इसके कॉर्नर्स को भी हम थोड़ा सा फिलेट करेंगे, तो वो मॉडिफाई में जाओगे तो रेक्टेंगल के नीचे ही उसके ये ऑप्शन है कॉर्नर रेडियस पैरामीटर्स में। आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे
तो वो फिलेट हो जाएगा चारों तरफ से। यहां तक सबको पहले क्लियर हुआ जितने भी मैंने शेप्स लिए हैं? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। गुड, ठीक है, ये हमारे शेप्स हैं। ये सारे शेप्स किसके ऊपर अप्लाई होंगे, कोई समझा सकता है मुझे? इन शेप्स वो लाइन पे, लाइन के ऊपर, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब हम लाइन पर आते हैं। ये रही मेरी लाइन, ये रहे सारे शेप। शेप्स बहुत बड़े हो गए हैं कंपैरिजन टू लाइन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, या तो मैं लाइन बड़ी कर लेता हूँ, लाइन को दोबारा ड्रॉ करता हूँ। अब जिस हिसाब के शेप्स हैं उस हिसाब से मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो लाइन को दोबारा ड्रॉ किया मैंने, ठीक। बाद में इस लाइन को आप वर्टेक्स पकड़ के भी थोड़ा और लंबा कर सकते हो, आपके ऊपर है वो, ठीक है। तो ये मेरी लाइन भी आ गई, समझ में आया सबको? ठीक है, यस सर, गुड, ठीक है। तो सेशन जो है वो 2.5 मिनट में एंड होने वाला है, तो मैं आपको दोबारा ही लिंक देता हूँ, क्योंकि फिर ये टॉपिक अभी लंबा चलने वाला है, तो फिर बीच में मुझे ब्रेक नहीं चाहिए। तो मैं सेशन को एंड करके आप दोबारा जुड़ो, फटाफट मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ आप, ठीक है? ओके सर, चलेगा। सब लोग जुड़ना, टोटल 19 स्टूडेंट है, पूरे 19 ही होने चाहिए, है ना? ठीक है भाई। तो यहाँ तक अपन थे, सबने देखा था लाइन है हमारे पास, और क्या है, शेप्स है हमारे, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस इन सारे शेप्स को एक एक करके इस लाइन के ऊपर अप्लाई करना है, जिस तरह आपका सेम वो मोतियों में माला पिरोते हो ना आप, सेम वही प्रोसेस है, कुछ उसी टाइप। ठीक, तो स्टार्ट करें। यस सर। चलो, लॉफ्ट आपको मिलता है क्रिएट में। ये एक ये कोई मॉडिफायर नहीं है, सबसे पहले ध्यान रखना। बेवल प्रोफाइल तो एक मॉडिफायर था, लॉफ्ट कोई मॉडिफायर नहीं है, ये एक टूल है जो कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑप्शंस के अंदर छुपा हुआ है। तो कहाँ मिलेगा वो बता रहा हूँ, क्रिएट में। ये रहा आपका क्रिएट, ठीक। क्रिएट में ये जो ज्योमेट्री होता है उसकी लिस्ट में, तो क्रिएट के अंदर आप आए पहले किस में, ज्योमेट्री में, ठीक। ज्योमेट्री के बाद क्रिएट ज्योमेट्री में जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की लिस्ट होती है, इसको ओपन करोगे तो इसमें मिलेगा थर्ड ऑप्शन, कंपाउंड ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें मिलेगा आपको क्या, लॉफ्ट। सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है सबको? यस सर। अगर कंफ्यूजन हो तो लिख लो इस चीज को, ठीक है। क्रिएट सब मतलब जो आपका ये पूरा कंपाउंड ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये आपका पूरा जो पैनल है, कमांड पैनल, इसके क्रिएट में ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की लिस्ट में थर्ड नंबर पे होता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट, जहां पे मिलता है लॉफ्ट। इसमें आपको बुलियन भी मिलेगा, बुलियन जो माया में भी था, थ्योरियस मैक्स में भी बुलियन होता है, ये भी मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ ना पहले, है ना? अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने लिया लॉफ्ट। अब लॉफ्ट के लिए पहले कौन सिलेक्ट होगा, आपको क्या लगता है, शेप की लाइन, क्या बोलते हो पटेल? शेप नहीं, लाइन, लाइन। कौन कौन लाइन बोल रहा है? शेप्स होगा, क्योंकि शेप लाइन पे आएगा ना बाद में। नहीं नहीं, लाइन ही सिलेक्ट होगी। लाइन आपने कंफ्यूज किया। कंफ्यूज के लाइन ही बोला था सर। यही तो तरीका है कॉन्फिडेंस लाने का। तो पहले लाइन को
पहला लाइन होगी रीजन, उसका रीजन बताता हूँ। रीजन की लाइन इज अ पाथ, समझ रहे हो, और दी शेप्स आर दी, ये क्या है, ये उस पे चलने वाले आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसको कंप्लीट करेंगे उस पाथ को, समझ रहे हो ना। तो रास्ता होगा कभी, तभी तो कोई चीज चल पाएगी ना उसके ऊपर, वरना कैसे चलेगी। तो वही सेम कंसेप्ट है कि सबसे पहले पाथ चाहिए, फिर उसके ऊपर चलने वाली चीजें चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? यस। ठीक, तो मैंने लिया लॉफ्ट, लॉफ्ट पे क्लिक किया तो लॉफ्ट के पैरामीटर्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में लॉफ्ट आ गया आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन है देखो गेट शेप, समझ रहे हो। तो पाथ हमारा सिलेक्टेड है और यहाँ हम ले सकते हैं क्या, गेट शेप, क्लिक किया गेट शेप पे, क्लिक करके अब हमारे पहले शेप पे क्लिक करेंगे। हालांकि आप किसी भी शेप पे पहले क्लिक कर सकते हो, लेकिन हमने ये सीक्वेंस जमाई इस तरीके से ताकि एक स्क्रू ड्राइवर बने, दैट्स वाई मैं पहले वाले पे क्लिक करूंगा सर्कल पे। तो जैसे मैंने सर्कल पे क्लिक किया, ये लाइन एक 3D सिलेंडर में बदल गई। समझ में आया सबसे पहले सबको? क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं? अंडू करते हो रहा है। वापिस मैंने लिया गेट शेप, अब मैंने स्टार पे क्लिक किया तो देखो क्या हुआ। कुछ समझ आया? अभी मैं एक एक करके शेप बता रहा हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। अंडू किया, वापस लॉफ्ट, गेट शेप, मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो देखो रेक्टेंगल पूरा का पूरा 3D में बन गया, शुरू से लेकर एंड तक। सबको समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। वेरी गुड। यस सर। अब सवाल आता है कि जब मैं गेट शेप कर रहा हूं तो जो ये जो सर्कल हो या चाहे स्टार हो चाहे ये रेक्टेंगल हो, ये पूरा के पूरा आ जाते हैं जीरो से लेकर 100 तक। इस तरीके से इसको मानो कि यहां से लाइन शुरू हुई 0 और यहाँ खत्म हुई 100, तो 0 से 100 तक पूरा का पूरा एक ही शेप आ जा रहा है। मुझे तो शेप्स को डिवाइड करना है कि सर्कल थोड़ी देर तक हो, फिर उसके आगे स्टार आ जाए, फिर उसके आगे दूसरा सर्कल आ जाए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर रेक्टेंगल। ये हम कैसे कर पाएंगे? उसके लिए यहाँ नीचे वैल्यू दे रखी है पाथ की। कौन सी वैल्यू? पाथ वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि अगर अभी पाथ वैल्यू 0 ही रखता हूँ और गेट शेप पे क्लिक करता हूँ, सर्कल पे क्लिक करता हूँ, तो सर्कल 0 से 100 तक, ये एक्चुअली उल्टा हो गया है, 0 इधर से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो चलेगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 से 100 तक पूरा का पूरा सर्कल ही आ जा रहा है, ठीक है ना। तो मुझे अब इसको डिवाइड करना है। तो पहले मेरी रिक्वायरमेंट समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? Yes. है ना। तो ये कैसे होगा आप देखते जाओ। लॉफ्ट पे क्लिक किया, सबसे पहले तो आप यही करोगे कि गेट शेप पे क्लिक करो, और मैंने क्लिक किया सर्कल पे, तो पहले सर्कल 0 से 100 तक आ गया, पहला काम तो यही रहेगा आपका। तो ये रहा 0, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो सर्कल 0 टू 100 तक गया, तो ये 100 की बजाय कहाँ तक रहना चाहिए, 5 तक, 10 तक, 20 तक, 50 तक, ये बस हमें डिसाइड करना है। अगर ये हमने डिसाइड कर लिया तो आप इस पूरे सारे शेप्स को इस लाइन के ऊपर अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो सर्कल है, ये मुझे लगता है कि 0 से तो शुरू हुआ लेकिन खत्म 100 पे ना होते हुए 10 पे होना चाहिए। तो मैं पाथ में कितनी वैल्यू लिखूंगा, कोई बता सकता है? 10 यूनिट। 10। तो मैंने लिखा 10, फिर मैंने क्लिक किया गेट शेप पे और दोबारा सर्कल पे ही क्लिक किया, क्योंकि शुरू वो 0 से हुआ है तो खत्म भी कहीं पे करना है, तो खत्म मैं कर रहा हूँ 10 पर। तो मैंने दोबारा सर्कल पे क्लिक किया, ठीक है। तो सर्कल देखो शुरू हुआ 0 से और खत्म, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये हमेशा वो एरिया होता है जहां पे वो बड़ा आ गया, मतलब जहां पे उस एंड हुआ। तो ये कितने पे खत्म हुआ आके? 10 पे, मतलब ये 0 था और 10 इंच आगे बढ़ा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको लगता है 10 कम है, ठीक है, आपको लगता है कि 10 कम हो रहा है या ज्यादा है, तो आप कम भी कर सकते हो। 10 से अंडू किया मैंने और 10 से कम कर देता हूँ 3, वापस गेट शेप,
क्लिक दोबारा किया सर्कल पे तो देखो अब वो पास में आके खत्म हुआ, अब 3 इंच पे खत्म हुआ। समझ में आ रही बात? इसी तरह अगर मैं अंडू कर देता मैं ना 3 ना 10 में डायरेक्ट 80 लिखता गेट शेप और वापस क्लिक करता सर्कल पे तो वो 80 पे यहाँ आके खत्म हुआ। देखो मतलब 100 से 20 इंच कम। समझ में आ रहा है सबको? बैकवर्ड्स बैकवर्ड्स हाँ वो मेरी लाइन गलती से मुझसे उल्टी ड्रॉ हो गई है। आप लोग सीधी ड्रॉ कर लेना जब आप बनाओ तो, मतलब ये मेरे कहने का मतलब वो लाइन मेरी गलती से उल्टी ड्रॉ हो गई। ठीक है तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस यस हां सर, समझ में सबको सीजी में भी? हां सर क्लियर। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 80 पे ना होते हुए जो मेरा एक अंदाजन है मैं इसको लेता हूं समथिंग 8 पर गेट शेप, अंडू किया था मैंने ध्यान रखना और क्लिक किया दोबारा सर्कल पे तो सर्कल शुरू हुआ था 0 से और जो उसकी ग्रीन लाइन आई वो आई 8 इंच, तो यहाँ पे सर्कल खत्म हो चुका है। इसका मतलब अब मैं सर्कल के आगे से 8 इंच के आगे से अपना दूसरा शेप यूज कर सकता हूँ जो है स्टार। समझ में आई बात? तो मेरी वैल्यू क्या होगी अगर मुझे 8 इंच से आगे जाना है तो मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 तो अभी सर्कल खत्म किया है, तो पाथ वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12 या 13 कुछ सर। 9 हाँ 9 भी ले सकते हो क्योंकि 9 भी तो 8 से आगे का ही, मतलब वैल्यू 8 से आगे की होगी, बस ये ध्यान रखना। वो 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन प्लस वैल्यू, माइनस में मत चले जाना। ठीक है ना? तो 8 से आगे की वैल्यू तो 8.5 भी होती है, तो आप चाहो तो 9 नहीं तो 8.5 भी रख सकते हो, तो एकदम चिपक के उससे निकलेगा स्टार। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, मैं पहले दोनों चीजें दिखाता हूँ, पहले मैं 8.5 पे चलता हूँ। तो मैंने 8.5 लिया तो जस्ट 0.5 इंच हम आगे बढ़े, हमने दोबारा क्लिक किया गेट शेप पे और क्लिक कर दिया स्टार पे, तो देखो क्या हुआ, कुछ समझ आया? हेलो यस सर समझ आ रहा है? यस सर हर शेप एंड तक ही जाएगा, वो तो आपको उसको लिमिट रख रख के खत्म करना पड़ेगा बीच में, जिस तरह मैंने सर्कल को भी किया था। समझ रहे हो ना? तो स्टार को भी हम अपन यही खत्म करेंगे बीच में कहीं पे, ठीक है? लेकिन वो ऑटोमेटिकली पूरा 100 तक ही जाता है, ये हमारा काम है उसको बीच में कहीं खत्म करना। तो जैसा मैंने कहा था कि देखो हमारा जो सर्कल है वो 0 से 8 तक आगे बढ़ा, ठीक है, 8 इंच तक। उसके बाद 8.5 इंच यानी सिर्फ 0.5 इंच से आगे कौन सा शेप बढ़ गया? स्टार। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो इतना सट के या इतना चिपक के ना बढ़े, आप चाहते हो थोड़ा सा डिस्टेंस हो, बीच में एक गैप हो, तो अंडू करिए आप वैल्यू थोड़ा बढ़ाइए, फिर 8.5 ना रखते हुए 10-12 यानी 2-3 इंच का डिफरेंस रहने दीजिए बीच में। तो मैंने 12 लिखा, ठीक है, गेट शेप और दोबारा स्टार पे क्लिक कर दिया, तो अब आप देख सकते हो थोड़ा गैप आया बीच में, ये है 8 जहां पे सर्कल खत्म हुआ 8 इंच, और बीच में 4 इंच का गैप छोड़ के स्टार ने अपना शेप स्टार्ट किया। क्या सबको समझ आ रहा है? एक्सटेंशन सेंटर में भी बिंदास बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी समझ आया हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। सर कर दो ना वापस रिपीट। बोला बाबा उसे। देखो दोबारा से चलते हैं, लाइन को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, सॉरी क्रिएट में गए, फिर गए क्रिएट से ज्योमेट्री, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव होता है डिफॉल्ट, तो यहाँ से हम चलेंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट में, कंपाउंड ऑब्जेक्ट से हम लेंगे क्या, लॉफ्ट। क्या लेंगे?
लॉफ्ट, लॉफ्ट हमने पाथ सिलेक्ट करके किया, तो अब हमें लेना है गेट शेप। तो हमारा जो पहला शेप है वो है ये सर्कल, ठीक है। तो मैंने गेट शेप पे क्लिक किया और सर्कल पे क्लिक किया, तो सर्कल पूरा 0 to 100 तक पूरा सर्कल ड्रॉ हो गया लाइन के ऊपर एज अ 3D ज्योमेट्री, यानी एक 3D ऑब्जेक्ट जैसा, ठीक है। हमने लाइन के ऊपर एक 2D सर्कल ही डाला है विद द हेल्प ऑफ गेट शेप, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिलता है, 3D सिलेंडर जैसा पूरा मॉडल है ना, एक 3D मॉडल। तो एक 2D शेप के ऊपर हमने दूसरा 2D शेप मारा विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट, लेकिन हमें एक 3D मॉडल मिल गया। लेकिन अब हमें इस 3D मॉडल को डिवाइड करना है अलग अलग शेप्स में। मैं चाहता हूँ कि ये जो 3D मॉडल पूरा ये जो पाइप जैसा बना है ये इसी तरह ना रहे, ये थोड़ा सा रहे सर्कल, फिर थोड़ा सा रहे स्टार, फिर आगे चल के और थोड़ा सा रहे सर्कल, और लास्ट में बन जाए रेक्टेंगल, जो कि हमारा ये रेक्टेंगल शेप है। शेप तो सबको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो मैं शेप्स को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, ठीक है, समझ में आया ना। तो मुझे अब डिवाइड करना है, तो मैंने दोबारा लॉफ्ट पे गया, मैंने लिया गेट शेप ही, और मैं पहले ये डिसाइड करूंगा कि मेरा जो पहला सर्कल है वो अगर 0 से शुरू हुआ तो कितने इंच पे आके खत्म हो, क्योंकि अभी ये 0 से लेकर 100 वैल्यू पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही मान लो 0 से लेकर 100 इंच तक है, ठीक है ना। तो मैं इसको 10 इंच तक ही खत्म करना चाहता हूँ या 8 इंच तक ही खत्म करना चाहता हूँ। तो मैंने पाथ वैल्यू पे लिखा 8, ठीक है, गेट शेप पे क्लिक किया और दोबारा क्लिक किया इसी सर्कल पे, तो सर्कल शुरू हुआ 0 इंच से और खत्म हुआ 8 इंच पे आके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि 8 इंच के आगे की जो वैल्यूज हैं उन पर दूसरे शेप काम करें, लाइक स्टार। तो मैं चाहता हूँ स्टार कुछ 10 या 12 इंच से अपना जो शेप है वो जनरेट करे। तो मैंने पाथ पे लिखा 10 इंच, गेट शेप पे पहले से ही क्लिक है, और मैंने क्लिक किया स्टार पे, तो देखो 10वें इंच से कौन शुरू हुआ स्टार और खत्म कहाँ पे हुआ, 100 इंच पे आके। अब समझ में आ रही है कुछ बात सबको? यस सर समझ में आ रही है ना। हाँ यस सर। तो देखो 0 से शुरू हुआ था सर्कल, 8 इंच पे खत्म हुआ सर्कल, और 10 इंच से कौन शुरू हुआ, 2 इंच के गैप में आपका स्टार। अब ये स्टार भी कहाँ खत्म होना चाहिए ये भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास अभी आपने सिर्फ 100 में से 10 इंच यूज किया है, ठीक है, यानी अभी 90 इंचेस बाकी हैं आपके अंडर में। तो आपको क्या लगता है स्टार कहाँ पे आके खत्म होना चाहिए? एक स्क्रू ड्राइवर को इमेजिन करो, तो स्क्रू ड्राइवर का जो ग्रिप वाला एरिया होता है वो कहाँ पे खत्म होता है, कितना लगता है? 50% अराउंड 1/4 ऑफ द लाइन। हाँ, मतलब एक तरीके से 50% ही मान लो। तो मैं अगर यहाँ पाथ पे लिख दूं 50, गेट शेप पहले से सिलेक्ट और दोबारा स्टार पे ही क्लिक करूं, तो देखो मेरा स्टार शुरू हुआ था 10 इंच से और खत्म हुआ यहाँ पे 50 इंच पे, यानी 50 अभी पूरा बाकी है आगे का मेरा। समझ में आ रहा है सबको? Yes. पक्का? Yes. ठीक, फिर हम आते हैं आगे पे। अब स्क्रू ड्राइवर में इस हैंडल के आगे क्या होता है, अगर मैं एक स्क्रू ड्राइवर सर्च करूं तो, चलो कर ही लेते हैं। तो एक स्क्रू ड्राइवर अगर आप देखते हो, सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? ये देखो, जैसा दिख रही है, यहाँ तक तो हैंडल है, ये हैंडल हमने खत्म किया। हैंडल्स के बीच में आप और शेप दे सकते हो, ठीक है, और इस स्क्रू ड्राइवर में थोड़ा सा हैंडल पीछे है, तो आप अंडू वैल्यू भी यूज कर सकते हो। चलो मैं 50 की बजाय इसको रखता हूँ 40 पे, गेट शेप स्टार पे क्लिक किया तो 40 पे खत्म किया मैंने, ठीक ना। ठीक, अब उसके बाद क्या है भाई? अब उसके बाद थोड़ी सी डिजाइन और है सर्कल की या स्टार की भी ले सकते हो, आपके ऊपर। और मेन आगे क्या है, ये पूरा उसका पाइप जहां पे आगे जाके रेक्टेंगल में भी कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है सबको?
तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसी स्टार के आगे बाकी के जो छोटे सर्कल्स हैं वो अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। तो 40 से आगे की वैल्यू पे आप जाओगे, तो 40 से आगे जैसे मैंने ले लिया 42, 2 इंच का डिफरेंस, गेट शेप, क्लिक किया सर्कल पे, देखो उसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अरे सब लोग बोलो, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। हाँ सर, हाँ समझ आ रहा है ना। गुड, हाँ सर आ रहा है। सर्कल छोटा क्यों लिया था आप, समझ में आया सर्कल छोटा क्यों लिया था? गुड। अब यही सर्कल को भी मैंने शुरू किया 42 से, तो कहीं लॉक तो करना पड़ेगा भाई, तो उसको भी मैं लॉक करता हूँ 42 से आके। मैं खत्म करता हूँ उसको 44 पे, गेट शेप, वापस इसी सर्कल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पहले ये 42 से शुरू हो गया, 44 पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सर्कल, इससे भी छोटा वाला, वो कितने पे होना चाहिए अब आप लोग बताओ। 44 पे हमने खत्म किया है ये वाला सर्कल, 45 भी ले सकते हैं, 46 भी ले सकते हैं, मतलब जितने इंच का डिफरेंस आपको रखना है। तो 45 भी सही है, तो 45 लेते हैं, गेट शेप, नेक्स्ट सर्कल पे क्लिक किया, ये देखो क्या हुआ। समझ में आ रही बात सबको? अब ये वाला सर्कल भी शुरू हुआ है 45 पे, तो थोड़ा सा दूरी पे यहाँ खत्म होना चाहिए, इतनी दूरी पे। तो कितनी वैल्यू डाल सकता हूँ जल्दी बताओ? 70। हाँ 60। 8 कहाँ आ गया बीच में, 8 तो निकल गए। 50 भी ले सकते हो, 5 इंच का डिस्टेंस, क्योंकि 45 पे हमने इस सर्कल को शुरू किया है, तो 50 यानी 5 इंच का डिस्टेंस यहाँ पे कहीं आके खत्म होगा ये सर्कल। लेकिन थोड़ा सा मैं पास में चाहता हूँ, तो 50 की बजाय 48 ले लो समथिंग। ठीक है, फिर मैंने क्लिक किया इसी सर्कल के ऊपर, तो देखो 45 से शुरू हुआ था ये सर्कल, 48 पे आके खत्म हो गया। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट सर्कल जो सबसे छोटा वाला सर्कल है, समझ रहे हो? अब क्या वैल्यू होनी चाहिए मेरी बताओ? 50 ले सकते हो बिल्कुल। 80 लेना। 80 लेके क्या करोगे? क्लिक। समझ में आ रहा है क्या बन रहा है आपका? क्लियर हो रहा है सबको? सर अभी सीधा 90 85। ये अब एज अ रेफरेंस में देखो तो ये काफी लंबा है, और यहाँ आके रेक्टेंगल जुड़ेगा। तो पहले तो, लेकिन अभी इसको भी पहले खत्म करना जरूरी है। ये अभी 50 से शुरू हुआ है, खत्म कहाँ करना है इसको वो बताओ आप लोग। 85 ले सकते हो, 90 हाँ 90 भी ले सकते हो, तो ट्राई करके देखना पड़ेगा। 95 भी ले सकते हो, लाओ 95 ट्राई करें, और क्लिक किया सर्कल पे, तो 95 यहाँ आके खत्म हुआ है। देखो मतलब रेक्टेंगल के लिए हमारे पास इतनी जगह बची है। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, 95 के बजाय 90 कर लो, 90 कर लेते हैं, 93 भी कर सकते थे, वो आपको अंडू कर करके चेक करते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 यहाँ है, तो 92 ही रखते हैं। ठीक है, तो 92 यहाँ आके खत्म हुआ, और यहाँ हमें अच्छा खासा डिस्टेंस मिल गया। किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल, समझ में आई बात? तो हमारा लास्ट शेप बचा है रेक्टेंगल, कौन दाव लगा रहा है, किस वैल्यू से शुरू होना चाहिए? 93 से सर। 93 भी चलेगा। 92 और थोड़ा सा डिस्टेंस लेना चाहते हो तो 94 भी ले सकते हो, 94.5 भी ले सकते हो, कुल मिलाकर प्लस वैल्यू होगी, बस ये ध्यान रखना। तो 90 तो सर, दिस इज वी वर्किंग ऑन परसेंटेज ना? परसेंटेज, तुम इसको परसेंटेज बोल सकते हो, समझने के लिए मैं अभी इंचेस बोल रहा हूँ, क्योंकि 3ds Max डिफॉल्ट इंचेस पे काम करता है, तो मैं इंचेस नहीं समझ आता, सो यू कैन कैलकुलेट इट ऑन द परसेंटेज वैल्यू। समझ ना, बात बराबर है। बट दिस इज नॉट अ 100 इंच वाला लाइन, इज इट?
मैंने लाइन मैनुअली ही ड्रॉ की है, ऐसे इंचेस में नहीं ड्रॉ करी है, बस वो डिफॉल्ट में उसको इंच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3ds Max का डिफॉल्ट यूनिट सेटअप इंच है, तो तुम अगर इंच नहीं समझ पा रहे हो सो यू कैन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तुम इसको परसेंटेज समझ लो कि मेरा जो छोटा वाला सर्कल है वो 50% से शुरू होके 92% पे खत्म हुआ और अब मैं 94% से किसको शुरू कर रहा हूँ, रेक्टेंगल को, और खत्म कहाँ पे कर दूंगा, 100 पे. 100 पे. हाँ, 100. इस तरीके से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, मतलब 100 से ऊपर जा ही नहीं पाओगे, अब शुरू करोगे आप 0 से, ये आपका 0 था और खत्म करोगे आप 100 पे, तो लाइन छोटी होती तो भी 0 to 100 होता, और लाइन अगर इससे बड़ी भी होती, मान लो इतनी बड़ी लाइन होती, कर्सर देख रहे हो ना मेरा, तो भी वो शुरू 0 to 100 पे ही होगा, मतलब शुरू 0 से और खत्म 100, समझ रहे हो ना, ठीक. हाँ, तो आते हैं अब हम हमारे रेक्टेंगल पे, 94 से हम रेक्टेंगल को इस दाव पे फेंकने जा रहे हैं, तो रेक्टेंगल पे क्लिक किया, ये देखो रेक्टेंगल स्टार्ट हुआ, ठीक है. शेप हम बाद में और चेंज कर सकते हैं इसका अकॉर्डिंगली टू दिस रेफरेंस, वो भी मैं बताता हूँ कैसे, लेकिन 94 से हमने शुरू किया तो हमें बीच में 2% या 2 इंच का जो गैप मिला है वो अच्छा लग रहा है, तो रहने दो उसको, और बस हम इस रेक्टेंगल को लास्ट में खत्म कर देंगे, लॉक करना जरूरी है, तो मैंने लास्ट वैल्यू क्या रहेगी मेरी, हाँ वो अपन लास्ट में करेंगे, तो मैंने किया 100 और गेट शेप पे, और किस पे क्लिक कर देंगे, रेक्टेंगल पे, समझ आ गई बात. अब जैसे सवाल आया कि थोड़ा सा शेप को और सही करना है, वो अब हम मैनुअली करेंगे, सब कुछ लॉफ्ट खुद से ऑटोमेटिकली नहीं देता, कुछ चीजें हमें मैनुअली खुद से भी चेंज करनी पड़ती हैं, इतना तो देखो हमें लॉफ्ट ने ऑटोमेटिकली दे ही दिया है, जिससे आप पूरा जज कर पा रहे हो कि एक प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर है, समझ में आ रहा है सबको, लेकिन अब इस शेप को और एनहांस करना है, इन शेप्स में कुछ भी चेंज करोगे तुमको यहाँ नहीं दिखाई देगा, लाइफ चेंजिंग नहीं है. हाँ, लाइफ चेंजिंग नहीं, लाइफ चेंजिंग कैसी है वो बताता हूँ मैं, जो भी शेप आपने अप्लाई किए हैं इस लॉफ्ट के ऊपर, इस लाइन सर, 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 हाँ हाँ बोलो बोलो सर, मैं नमाज जा रहा हूँ सर, तो आप शेयर कर देंगे सर बाद में? हाँ, वैसे तो रिकॉर्ड हो ही रहा है और बाद में भी, जैसे मैं हमेशा हर लेक्चर के, जैसे कल भी अगर मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा ही, और वैसे तो लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम आ जाते हो नमाज जल्दी पढ़ के, और अगर तुम्हें लगता है मैं ऑनलाइन हूँ तो आ जाना, कनेक्ट हो जाना. हाँ हाँ सर, चलेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, ओके बाय. हाँ हाँ मरियम, मैं ये कह रहा था, आवाज तो सबको आ रही है ना, यस के, अगर आप इन शेप्स में कुछ भी चेंजेस करते हो, मान लो सबसे पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ, मैंने सेव एक बार भी नहीं किया है, ठीक है, तो मैं जैसे बाहर निकलता हूँ और अगर मैं इन शेप्स में इनको कन्वर्ट टू स्प्लाइन करके इन वर्टेक्स में किसी भी टाइप का अगर कोई चेंज करता हूँ, तो देखो इधर 3D मॉडल में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, समझ रहे हो बात, तो फिर आप कैसे करोगे, सवाल वो है, ठीक है. नहीं नहीं, हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारे शेप्स एक्चुअली इसी पाथ के ऊपर आ भी चुके हैं, वो बस दिखते नहीं है, देखने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो दिख रहे होंगे आपको ये सारे शेप्स जो जो मैंने अप्लाई किए हैं, मैं इस ज्योमेट्री को ग्रे कलर का बनाता हूँ तो और आप देख पाओगे, दिख रहे हैं शेप्स, और अगर अभी भी नहीं दिख रहे तो आप ज्योमेट्री को सेलेक्ट करो, लॉफ्ट को खोलो, तो इसमें ये शेप्स पे जैसे क्लिक करोगे ये सारे शेप्स आपके हाईलाइट हो जाएंगे, ये देखो, तो वायर फ्रेम बीच में कंफ्यूज कर रहा है, एक सेकंड, हम्म,
वो 3ds Max के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब आप ज्योमेट्री सेलेक्ट कर देते हो ना तो वायर फ्रेम दिखाता ही है वो, फिर विदाउट वायर फ्रेम दिखाता नहीं मॉडल। ठीक है चलो ऐसे समझते हैं कि मैंने लॉफ्ट को ओपन किया, यहाँ पे शेप पे क्लिक किया, तो जहां 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 मैंने जो शेप डाले थे, शुरू हमने किस शेप से किया था, सर्कल से, जीरो वैल्यूज, तो सर्कल यहाँ ये रहा पीछे। अब आप यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ लॉफ्ट को खोल के शेप पे रहोगे तो एक क्लिक करोगे तो देखो वो शेप सेलेक्ट हो गया, सर्कल दिख रहा है रेड कलर में। वही शेप हमने सर्कल को एंड भी किया था 8 इंच पे, तो 8 इंच पे भी ये दिखेगा आपको, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ये रहा वो शेप, दोनों सर्कल दिख गए। ठीक है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो शेप को, मतलब और एनहांस कर सकते हो। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पीछे वाले सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, W प्रेस करता हूँ, मूव करता हूँ और R दबा के स्केल करता हूँ, तो पीछे से देखो पिंच हो गया। समझ में आ रही बात? फिर जो आगे वाला था उसको चाहो तो और ब्रॉड या और कम भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है फिर ये रहा स्टार जो हमने 10 इंच से शुरू किया था, इसको क्लिक करो, इस स्टार को आप बड़ा छोटा कर सकते हो, तो यहां से शेप चेंज होगा। ठीक है वही स्टार आपको यहाँ भी मिलेगा जो लास्ट हमने 40 इंच पे एंड किया था इसको। यहाँ देखो पाथ लेवल भी बताता है, ये रहा जब आप उस शेप पे क्लिक करते हो तो ये किस पे एंड हुआ था, तो 40 पे एंड हुआ था ये 40 इंच पे। इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, अब ये आपके ऊपर है आपको शेप को कितना एनहेंस करना है। चाहो तो थोड़ा सा मूव भी कर सकते हो, पीछे आगे, समझ रहे हो सब लोग? ठीक है Yes, फिर यहाँ सर्कल था सर, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स है वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये तो हार्ड सरफेस मॉडल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस ट्रायंगल्स को बाद में चाहो तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो कन्वर्ट टू पॉली करने के बाद, क्योंकि अभी ये पॉली तो है नहीं, ये लॉफ्ट से बना हुआ 3D मॉडल है, तो बाद में पॉली में तो वो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे माया में थे, ट्राइंगल हटाओ क्वाड कर दो, वो सब आप बाद में कर सकते। अच्छा तो आप इस मॉडल को कन्वर्ट टू पॉली भी कर सकते हो, आपको लगता है कि आपको हाथों हाथ पॉली में सबमिट करना है इस असाइनमेंट को या किसी को दिखाना है पॉली में ही, तो इसी मॉडल को पॉली कन्वर्ट कर दो। तो ये जितने भी शेप्स थे देखो उनका शेप थोड़ा और चेंज कर दिया मैंने, यहाँ लास्ट में भी इसको भी थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ, सेंटर से स्केल कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना यूनिफॉर्मली। फिर यहाँ जैसे हमने इसको लास्ट में रेक्टेंगल को सही करना है, पहली बात तो ये एकदम फ्लैट नहीं होता जिस तरह है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, रोटेड होता है। तो जो हमारे जो दोनों रेक्टेंगल हैं, जो एक था जो 94 से शुरू हुआ था और लास्ट में वो 100 पे खत्म हुआ, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल सबको पता है ना सिलेक्शन क्या होते हैं, और इसको मैंने किया रोटेट, सबसे पहले तो रोटेट कर लिया जिससे थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। ठीक है फिर लास्ट, हाँ थोड़ा सा ही किया है मैंने, फिर लास्ट वाले को सेंटर से स्केल किया तो ये पिंच हुआ। समझ में आई बात? इस तरीके से आप शेप को परफेक्टली कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। ठीक है अब लॉफ्ट से बाहर आ जाओ, आप चाहो तो आप इसको कन्वर्ट टू पॉली भी कर सकते हो, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, तो बस ये आपका 3D मॉडल बन गया। लाइन देखो उसी जगह पर ही, वो सिर्फ पाथ थी, तो लाइन आपको दोबारा मिल जाएगी और ये आपका स्क्रू ड्राइवर। हाँ अब आप लाइन वाइन शेप वेब जो डिलीट करना है करो, मॉडल आपका कंप्लीट है। समझ में आया सबको? कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जिस तरह मैंने अभी आपको लॉफ्ट बताया उसी तरह बुलियन भी होता है।
लेकिन ध्यान रखना लॉफ्ट जिस तरह काम कर रहा था 2D शेप से, मतलब 2D शेप के ऊपर 2D शेप अप्लाई कर रहे थे, वो 3D मॉडल बन रहा था। ठीक है, प्रो बुलियन 2D पे काम नहीं करता है, टोटली 3D ऑब्जेक्ट्स पे काम करने वाला टूल है, लाइक माया। जिस तरह माया में भी बुलियन करने के लिए आप सब्सट्रैक्शन और ये सारी चीजें यूज कर सकते थे, तो इसी तरह यहाँ पे भी बुलियन है। कुछ नाम का फर्क है लेकिन चीजें कुछ मिलती जुलती हैं उसकी तरीके से, बस नाम का फर्क होगा यहाँ पे, लेकिन काम 3D ज्योमेट्री के ऊपर ही करेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो किस तरीके से करेगा, जिस तरह पहले हमें 3D ज्योमेट्री चाहिए, तो मैं दोबारा जाता हूँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में और मैंने एक बॉक्स लिया। ठीक है, ये मेरा बॉक्स है। अब मुझे इस बॉक्स में एक हॉलो करना है, तो उसके लिए मुझे दूसरी 3D ज्योमेट्री चाहिए। तो दूसरी 3D ज्योमेट्री के लिए भी आप कोई दूसरा 3D शेप, दूसरा 3D ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, या फिर 2D से बना के भी एक 3D उसको कर सकते हो, मतलब 2D शेप को एक्सट्रूड कर दो तो वो भी 3D हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ कि मैंने ली लाइन। अब माया में सबको वो चीज पता है, एक मैंने ऑप्शन बताया था माया में, मेक लाइव। क्या करता था ऑब्जेक्ट के ऊपर वो आ जाता था, वो 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ड्रॉ करने का। हाँ, वेरी गुड, ठोस हो जाता था। वेरी गुड, ठोस हो जाता है, बोली मरियम। कुछ ऐसा ही यहाँ पे कि अगर जैसे पहले वही चीज समझाता हूँ मैं, वो मेक लाइव ऑप्शन यहाँ 3ds Max में कैसे काम करता है वो समझा रहा हूँ पहले मैं। जैसे मैंने बॉक्स लिया, अब इस बॉक्स के ऊपर मैं सिलेंडर ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने सिलेंडर लिया और इस बॉक्स के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश भी की, तो वो सिलेंडर इसके ऊपर ना ड्रॉ होते हुए डेप्थ में इसके पीछे ड्रॉ हो गया। समझ में आई बात? यानी उसने इस बॉक्स को सॉलिड ऑब्जेक्ट माना ही नहीं, एक हॉलो ऑब्जेक्ट माना और उसके अंदर से जाके पीछे वो सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो रही है सबको बात? ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो सिलेंडर है या जो भी आप बना रहे हो, मैं इस बॉक्स के जस्ट ऊपर ही ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैंने जब सिलेंडर लिया तो मुझे बस एक चीज पे टिक करना है, सिलेंडर यानी ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के ऊपर ही ऑप्शन है ऑटो ग्रिड, दिख रहा है सबको? बस इस पे टिक कर दो, दिख रहा है? अब जब ऑटो ग्रिड चालू करने के बाद मैं सिलेंडर को बॉक्स के ऊपर ड्रॉ करूंगा, तो देखो जैसे मैं कर्सर बॉक्स के ऊपर लेकर आया, वो इस बॉक्स को बॉक्स नहीं मान रहा है, वो इस बॉक्स को ग्रिड मान रहा है। जिस तरह ये ग्रिड है उसी तरीके से ये, तो जब मैं ड्रॉ करूंगा सिलेंडर को, वो इस बॉक्स के सरफेस को एज अ बॉक्स या पॉलीगॉन ना मानते हुए ग्रिड मानेगा, और जिस तरह ग्रिड के ऊपर ऑब्जेक्ट बनता है उसी तरह यहाँ इसके ऊपर बनेगा। ये देखो, समझ में आई बात? सेम इधर भी बना सकते हो। ये देखो, ग्रिड भी देता है, ग्रिड भी देता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के ऊपर ही बन रहा है, अब चाहकर भी अंदर नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है सबको? लेकिन अगर मैं ऑटो ग्रिड बंद कर दूं तो अब ये सिलेंडर इसके ऊपर नहीं बनेगा, देखना, अब ये इसके अंदर जाके पीछे बन जाएगा, लाइक क्योंकि वो विदाउट ऑटो ग्रिड वो इस बॉक्स को हॉलो मानता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला है, तो वो उसके आर पार होके पीछे जाके बन गया। सबको समझ आया ये ऑटो ग्रिड क्या करता है? अगर तो सर उसकी वजह से सारे पॉलीगॉन्स लाइव हो जाएंगे। हाँ, एक इसमें, हाँ ये भी अच्छी बात है कि सारे ऑब्जेक्ट ऑटो ग्रिड इस ऑब्जेक्ट को लाइव नहीं बना रहा। ऑटो ग्रिड का मतलब अब ये हो गया कि मैं अगर यहाँ भी ड्रॉ करता ना, उसका मतलब अब हर चीज ग्रिड है, जहाँ कर्सर लेके आओ जाओगे 3ds Max उसको ग्रिड मानेगा, तो यहाँ भी ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, माया में क्या होता था कि पर्टिकुलर ही ऑब्जेक्ट ग्रिड बनता था और लाइव बनता था और उसके ऊपर चीजें ड्रॉ हो सकती थी, समझ रहे हो? 3ds Max में उसका अपोजिट है। इसमें अगर आपने ऑटो ग्रिड पे चालू कर दिया तो हर चीज ग्रिड बन जाएगी, आप चाहे वो ये यहाँ पे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता, देखो मैं कर्सर यहाँ भी ले जा रहा हूँ तो वो यहाँ भी ग्रिड ही मान रहा है उसको,
वो छोड़ ही नहीं रहा उसको कहीं पे, समझ रही हो बात को? यस सर, है ना। तो यहाँ थोड़ा तरीका अलग है, यहाँ आप कुछ भी बनाओ, इवन अगर मैंने मान लो यहाँ सिलेंडर बनाया तो उसकी नजर में देखो ये ग्रिड हो गई, देखो ग्रिड भी दिख रही है ना, अलग से ग्रिड देता है। और अब मुझे इस सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर बनाना है तो फिर बना सकता हूँ, फिर मुझे ग्रिड मिल जाएगी, फिर इसके ऊपर बना सकता हूँ, और वो एक दूसरे के सरफेस से एकदम टच रहेगा, ये भी खासियत है, मतलब वो उसके अंदर नहीं गया, एकदम यहीं पर ही टच है सरफेस से। समझ में आई सबको बात? यस सर। पक्का ना, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि कुछ ज्यादा हो रहा है? नहीं, समझ गए। समझ में आया ना? मैंने डिलीट किया सब कुछ। तो मैं क्या करने जा रहा था, मैं एक फ्रंट सॉरी लेफ्ट व्यू में जाता और लाइन से ऑटो ग्रिड तो चालू है ही, तो लाइन भी देखो उसके ऊपर ही ड्रॉ होगी, तो मैं ऐसे लाइन से एक शेप ड्रॉ करता। तो देखो लाइन भी जस्ट उसके ऊपर ही ड्रॉ हुई, फर्क समझ आया ऑटो ग्रिड का? यस। ठीक है, ठीक। तो ये मेरा शेप आ गया। अभी ये शेप 2D है तो मैं इसको 3D करने के लिए क्या करूंगा, एक्सट्रूड अमाउंट बढ़ा दूंगा, ठीक है, और इसको कन्वर्ट टू पॉली भी कर दूंगा ताकि एक 3D मॉडल बन जाए। अब समझ में आ गया सबको क्या किया मैंने? अब मैं इस शेप को इस बॉक्स के इस तरह आर पार रखता हूँ, टॉप व्यू से देखोगे तो इस बॉक्स के 50% अंदर है, 50% बाहर है दोनों तरफ से, ठीक। कलर में इसका चेंज कर देता हूँ शेप का। अब मैं चाहता हूं कि इस वॉल के अंदर इस शेप का हॉलो हो जाए, तो मैं क्या यूज करूंगा? डिफरेंस। टूल का नाम क्या है? डिफरेंस तो उसके अंदर की चीज है। बुलियन। बुलियन, ठीक है। तो ये बुलियन भी कहां मिलता है? सेम क्रिएट में ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कंपाउंड ऑब्जेक्ट, और उसमें मिलेगा आपको प्रो बुलियन। नाम थोड़ा अलग है, आगे प्रो लिखा है, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया हमारी वॉल को, मैं गया क्रिएट में, ज्योमेट्री में, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से गया कंपाउंड ऑब्जेक्ट में, यहाँ था लॉफ्ट, अब उसके नीचे ये प्रो बुलियन दिख रहा है सबको, ठीक है। यस सर। तो मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, प्रो बुलियन पे क्लिक किया, तो प्रो बुलियन पे जैसे क्लिक करते हो नीचे उसके पैरामीटर्स आ जाते हैं, ये पिक बुलियन, तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट पिकिंग। स्टार्ट पिकिंग का मतलब वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो हॉलो करेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट है वॉल, जिसको सिलेक्ट करके आपने प्रो बुलियन पे क्लिक किया, तो ध्यान रखना विदाउट प्राइमरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए आप प्रो बुलियन चालू नहीं कर सकते। तो प्राइमरी यानी वो जिसमें हॉलो होना है, सेकेंडरी यानी कौन? जो हॉलो करेगा। वेरी गुड। हॉलो करना है। तो प्राइमरी तो वॉल है जो हमने सिलेक्ट कर ली, अब सेकेंडरी कौन है? ये डिजाइन। तो सेकेंडरी को सिलेक्ट करने के लिए प्राइमरी को सिलेक्ट करके प्रॉब्लम पे क्लिक करो, अब क्लिक करो यहाँ पे स्टार्ट पिकिंग, तो देखो प्राइमरी का काम खत्म, अब स्टार्ट पिकिंग पे आ गया, अब आपको क्लिक करना है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट पे जो कि ये डिजाइन है, जैसे क्लिक करोगे ये हॉलो हो गया। समझ में आया सबको? हैं? समझ गए ना? हाँ, तो भाई लोग अटेंडेंस ले लिए मैंने, तो एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, समझ आया सबको? एक बार सब हाँ कर दो तो मुझे तसल्ली। यस सर।
हाँ सर हाँ इधर एक्सटेंशन में भी हाँ सर गुड 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 तो आप लोग असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दो इसी तरह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ